स्वागत लाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार। शराब पीकर बाइक चला रहे चालक को धन्य पुलिस ने किया गिरफ्तार। पशु चोरी को लेकर ग्रामीणों ने किया चौकी में धरना। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। किसानों द्वारा भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने खोला कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली के खिलाफ मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। आतंकी गतिविधियों में संलिप्त उधम सिंह नगर जनपद के गुलरभोज निवासी को दिल्ली पुलिस ने जनवरी में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आरोपी हल्द्वानी से अप्रैल 2022 से पैरोल में बाहर आया था, तब से आरोपी फरार चल रहा था। अब आरोपी को दो दिन की कस्टडी में दिल्ली से सितारगंज जेल लाया गया है। पुलिस अब आरोपी को पुलिस कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है। वही आरोपी की मदद करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जीत उर्फ जग्गा जो पहले जो है एक मर्डर में जेल गया था और उसके बाद जो है कुछ गलत संगत में पड़ के उसके बाद जो है तार कहीं कहीं से कहीं जुड़ के ISI के साथ भी जुड़ा है, ऐसा दावा है दिल्ली पुलिस का। तो दिल्ली पुलिस ने जनवरी के माह में एक बड़ी गिराह का एक्सपोजर किया था जिसमें वो जगजीत उर्फ जग्गा हमारे जनपद को बिलोंग करता था, गुलरभोज का निवासी था। तो कई दिन से हमने रिमांड के लिए अप्लाई करते थे क्योंकि हमारा PCR मतलब बेसिकली पैरोल तोड़ के वो भाग गया था, कस्टडी से एस्केप हो गया था, उसकी मुकदमा हमारे पास लिखा हुआ है। तो आज वो रिमांड पर आया है, तो हमारी मुकदमे में रिमांड पर आया है, परंतु हमारे पास कई सारे सवाल है जिसको जवाब मिलना है। इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ना है, किसने भगाया था, किसने मदद किया था, किसके माध्यम से भागा, किसकी संगत में आया, उसके बाद आतंकवाद में ये कैसे घुसा, ये सारी चीज़ें हमको करना है। तो इसलिए हमने आज जो है माननीय न्यायालय से निवेदन करने के उपरांत जो है न्यायालय ने हमारा अर्जी को स्वीकार किया है। हमें खुद वहाँ खड़ा करना पड़ा, मैं खुद वहाँ पर रह के न्यायालय पर हमारा पक्ष रखना पड़ा। मुझे खुद वहाँ पर रह के मैं और SP City हम दोनों गए थे, हमने वहाँ पर अपना पक्ष रखा। माननीय न्यायालय द्वारा हमारा एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया और दो दिन पे रिमांड के लिए सितारगंज जेल भेजा गया है। इसके बाद आगे हम पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हम एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ेंगे जो इसको मदद किया है और इसकी तार को और पर्दाफाश करना है। पूरी नेटवर्क अगर कोई भी है तो यहाँ पे उसको पर्दाफाश करना है। बीते दिनों हुई बरसात से कुमाऊं मंडल में फसल और बागवानी को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ सर्वे करने में जुटा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि कृषि विभाग और तहसील के स्तर पर राजस्व कर्मी किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को फिर से विभाग के अधिकारियों को तेजी के साथ किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों में लगातार हुई बरसात ने किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी की है। फसल पकने के साथ में ही हुई बरसात में गेहूं, आम तथा अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कृषि विभाग और जो हमारी तहसील है दोनों मिलकर करते हैं, कितनी कृषि बोई थी वो सैंपल लेते हैं, कितना नुकसान हो गया वो रिपोर्ट आती है और जो वो मुआवजे के दायरों में आएगा तो उसमें निश्चित रूप से धनराशि दी जाएगी। लोग ऐसे भी थे जिनका नुकसान इस तरह से हो गया कि घर में पानी आ गया, खाने पीने का सामान बह गया या फिर कुछ बिस्तर थे, बर्तन थे, वो बह गए। तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो ऐतिहासिक धनराशि होती है वो आज शाम तक सबको वितरित कर दी जाए। जिले की पुलबट्टा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 27 मार्च को एक युवक का विवाह समारोह आयोजित हुआ था। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन का अपहरण किया। वही नाबालिका के साथ दुराचार करने के बाद सुबह तड़के उसे घर के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए बरा क्षेत्र में गोल्डन पैलेस हॉल है, वहाँ एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरी बड़ी बेटी का की शादी थी, मेरी छोटी बेटी वहाँ से गायब हो गई है। इस सूचना पर त्वरित पुलबट्टा SO द्वारा कार्रवाई करते हुए पता किया तो पता चला कि गजेंद्र सिंह उस लड़की को लेके गया है, वो नाबालिग थी। इसकी उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, पॉस्को एक्ट लगाया गया और घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया
और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी कमल था जो एक जीप से उस बच्ची को लेकर चले गए थे और फिर उस बच्ची को उसके घर के पास छोड़ कर चले गए थे। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। इस सम्मत की पुष्टि होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त पुलिस टीम को सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीड, रेस ड्राइविंग व ओवर सवारी ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते थाना धन्य पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नशे में वाहन चला रहे आरोपी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता हिम्मत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पशु चोर गिरोह सक्रिय है और बीते दिनों से कुछ भैंसे क्षेत्र से चोरी हो चुके हैं, जिसके नाराज ग्रामीणों ने आज नादेही चौकी पर धरना किया और पशु चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन ने बताया कि पिछले काफी समय से क्षेत्र से पशु चोरी हो रहे हैं, जिसके लिए यहां ग्रामीण और ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से बातचीत की गई है और पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर चोरी खोलने का आश्वासन दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो इस बार ज्यादा घटना घटित दिखाई दी है। समय तक करीब पिछले एक पखवाड़े में लगभग 25 भैंसे इस क्षेत्र से चोरी हो चुकी है और जिनकी चोरी है सब गरीब लोग हैं, उस पर आश्रित हैं, भैंसों के जो भैंस पालन पर आश्रित थे, तो बड़ा दुखदायी ये कांड हुआ है। अब इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लोगों एक तरह से संतुष्ट नहीं थे कार्रवाई से, तो इसलिए ये एक लोग यहाँ पर आए हैं। क्षेत्र के हमारे प्रधान भी हैं, सम्मानित जन हैं, सब सम्रांत नागरिक, महिला शक्ति, सभी लोग यहाँ एकत्र हुए और इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भी आया। पुलिस प्रशासन की बात सुनी है, अभी आश्वासन मिला है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो चोरियाँ खुली जाएंगी और अब लोग शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर एक अपनी बात रखी और अब इस आश्वासन पर ये धरना समाप्त किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस पर न्याय जल्दी मिलेगा। राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सालय अधिकारी भगीरथी जोशी का कहना है कि ICMR और निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस के वाले मरीजों के COVID-19 के टेस्ट कराए जाएंगे, साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड के मामले में एकाएक इजाफा हुआ है, साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं, जो गाइडलाइन आई है ICMR से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी ILI के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है।
गांव के 5,838 एकड़ भूमि का मामला सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर किसानों को लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। वही सरकार द्वारा 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों की ओर जरा भी मेहरबान होती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। और यदि सरकार ने जल्द ही लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हिसाब वापस नहीं दिया तो यह आंदोलन जारी रहेगा। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। फरवरी 2020 से बाजपुर के 20 गांव के लोग, उसमें शहर का भी काफी हिस्सा आता है, उनकी खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। भूमिधरी के अधिकार जो है वो छीने हुए हैं। बहुत बार आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया लेकिन कोई हल अभी उसका मुकम्मल नहीं हुआ है और तभी से उस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। और आज इस आंदोलन को और तेजी लाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने ये शुरुआत की है और पूरा क्षेत्र अब इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा। जब तक सरकार इस मसले को हल नहीं करती तो ये आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भूमि बचाओ मुहिम है, जब तक मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा। जय जवान जय किसान। सर ये मांग बहुत पुरानी है, ये 20 गांव का मसला है, 5800 एकड़ जमीन का मसला है जो काफी समय से पेंडिंग में है। जो पीछे पहले क्या हुआ, सरकार ने जो खतौनियां थी उन पे एक नोटिस चिपका दिया कि भाई ये इसकी खरीद फरोख पे बंद कर दी जाए। उसके बाद में सरकार ने ही वो वापस ले लिया, उसे खतौनी से वो जो था आदेश वो हट गया। उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने फिर कह के फिर वो आदेश लग गया खतौनी पे, डीएम साहब ने लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये क्या मतलब बिल्ली चूहे का खेल है या क्या है? कभी हटा देते हो कभी लगा देते हो। कम से कम जो 50-50 साल से 80-80 साल से लोग कागज हैं, 3-3, 4-4 जगह वो जमीनें बिक गई हैं, रजिस्ट्री शुल्क सरकार ने लिया है, तो उसके अब क्या ऐसा मैटर आ गया जो वो जमीनें सरकारी हो गई है ना जी? तो कम से कम सरकार न्याय करे, ये नहीं है कि कोई पार्टी का बन के रह जाए या किसी के एक पर्सनल बंदे के इशू के हिसाब से चल पड़े। बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सरकार को इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए और इनका किसानों का हक उनको मिलना चाहिए। जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा वारंटियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खटीमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खटीमा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय पेश किया है जहाँ उन्हें जेल भेज दिया गया है। संवाददाता गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उनकी गिरफ्तारी की विरुद्ध जांच करना है। इसी अभियान के तहत वारंटी कुलदीप सिंह और सुरेंद्र सिंह को पुलिस टीम द्वारा उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों केलाकड़ा के रहने वाले हैं, काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे, लिहाजा इनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए। किच्छा में कांग्रेसियों के बीच चल रहे गुटबाजी का मामला चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने एसडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में संचालित नगर पालिका से भवन खाली करने की मांग की है। आपको बता दें कि किच्छा में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेसियों ने कहा है कि राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल का निर्माण जनता के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए किया गया था, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा कम्युनिटी हॉल की पूरी बिल्डिंग पर अवैध रूप से कब्जा कर नगर पालिका के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। आपसी गुटबाजी के चलते लगातार पार्टी के कमजोर होने के बावजूद भी कांग्रेसी कोई सबक नहीं ले रहे हैं। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। नगर पालिका का जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है, जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उसमें नगर पालिका ने अधिकृत रूप से कब्जा कर रखा
और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्छा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्छा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आँख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाकर्म कराएं। तो निश्चित रूप से आज मैंने बात उठाई है और एसडीएम साहब से अभी हम अंदर वार्ता करते हैं, और इसको अगर नहीं हटाया गया, यहाँ से कब्जा इसका खाली नहीं करेगा, तो हम जनता को लेकर उस गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे सारे किच्छा के लोग। नहीं, शादी होती है ना ऊपर, सारा वो हॉल जो है वो शादी होने से मतलब नहीं है, वो सारा हॉल वो राजीव गांधी कम्युनिटी के नाम से है, वो नगर पालिका कार्यालय नहीं है। देखिए एसडीएम कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नरेंद्र तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था, आम जनता के शादी ब्याह के लिए उस समय जो जरूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी, आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं। ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को ही अन्य स्थापित किया जाए, उनका अपना बजट होता है, वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बनाए। कहाँ हैं सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस, लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन आप लोगों को करीब। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष पी शर्मा द्वारा किच्छा विधायक तिलक राज बेहर के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला टूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विगत दिनों नवयुक्त अध्यक्ष सीपी शर्मा द्वारा कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर के खिलाफ बयानबाजी किए जाने की कांग्रेसियों ने घोर निंदा करते हुए सीपी शर्मा को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी। साथ ही कई कांग्रेसियों ने आपत्तिजनक बयानबाजी की निंदा करते हुए प्रदेश नेतृत्व से शासनहीनता के आरोप में सीपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कार्यकर्ता ही एक लीडर होती है, हर आदमी हर पार्टी जानती है कि कार्यकर्ता जिताता है, कार्यकर्ता अगर मेहनत से लड़ता है तो आदमी जीतता है, जो भी नेता है। बेहर जी रुद्रपुर से किच्छा आए, हम लोगों ने मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत की, सबकी मेहनत जनता का साथ रहा, उनके मिलने वाले रहे, वो जीते। उसके बाद आप बयानबाजी करते हैं कि किच्छा में विकास कहाँ हो रहा है, तो मैं कहता हूँ सीपी शर्मा जी से, वहाँ से रुद्रपुर में आपको नजर नहीं आ रहा, किच्छा आके देखिए विकास क्या होता है। रुद्रपुर बीजेपी है, सरकार बीजेपी की, यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार बीजेपी की, लेकिन आप काम देखिए, काम करने का एक जज्बा होता है आदमी के अंदर होता है, ना कि घमंड के अंदर होता है। आप कैसे ये बात कर रहे हैं, ये तो कोई बड़ा नेता है वो भी नहीं कह सकता, इतने बड़े नेता कद्दावर बेहर जी हैं, उनके बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं। जैसे मैं भी कार्यकर्ता हूँ, आप भी कार्यकर्ता, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मामला जो था वो आप सब लोगों के संज्ञान में, मामला सीपी शर्मा की बदजवानी का था, अनुशासनहीनता का था, जिस प्रकार से उन्होंने इच्छा के विकास के बारे में बात करी, इच्छा को देखें विधायक जी, विधायक तिलक राज बेहर प्रदेश के नेता हैं, उपनेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, और इतने बड़े नेता को ये कहना इच्छा देख लें, ये कहाँ तक शोभनीय काम है। प्रदेश नेतृत्व को इसमें संज्ञान लेना होगा और सीपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए प्रदेश नेतृत्व को। अनुशासनहीनता कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती है, और जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, 3.5 करोड़ रुपए से विधायक निधि खर्च हो चुकी है यहाँ पे, 10 करोड़ रुपए जिला योजना से स्वीकृत हो चुके, जारी हो चुके हैं, वो अपना मोटा चश्मा उतार कर देखें सीपी शर्मा जी, जो राज्य योजना से विधायक जी बीमार होते हुए भी 15 करोड़ रुपए जारी कराया है उन्होंने, किसके लिए कराया, किच्छा के विकास के लिए कराया। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर सीओ ऑपरेशन ओशीन जोशी ने पर्यवेक्षण में जनपद की ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत प्रथम चरण में शिक्षा ग्रहण हेतु चिन्हित किए गए बच्चों का द्वितीय चरण में स्कूल में दाखिला कराया जा रहा है, जिसके चलते 5 बच्चों का शिक्षा ग्रहण हेतु आंगनबाड़ी केंद्र NTD अल्मोड़ा में दाखिला कराया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। 5/4/2023 को ऑपरेशन मुक्ति टीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्र NTD में 5 बच्चों का दाखिला कराया गया।
बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदेश सरकार से किसानों को 50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने और साथ ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसल का 50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देना, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली मुफ्त करने और बाजपुर के 20 गांव की भूमि करने की मांग की है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। वहां पर किसी भी प्रकार का सर्वे मौखिक रूप से तो हमें देखने को अधिकारी गणों के देखिए, ये सरकार सर्वविदित हो चुकी है। देश के अंदर चंद उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर सकती है, लेकिन आज जो किसानों के जब मुआवजे की बात आती है, जो बेमौसमी बारिश के चलते उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, 12 लाख का तो टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, लेकिन अगर साधारण रूप से किसान एक सहकारी समितियों में 50,000 रुपए का भी उसके ऊपर ऋण होता है तो उसके वहाँ चार चार कानूनी नोटिस के चस्पे रहते हैं। और आज सत्यता यह है कि बिना किसी सर्वे के, बिना गांव में गए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए के मुआवजे के चेक बन रहे हैं। सोमेश्वर के झूला में कैबिनेट मंत्री रेखा ने आंगनवाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र से गर्भवती महिलाओं कार्यकर्तियों को काफी सहूलियत होगी। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्र की लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।